हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड ट्रेडर सुशांत एंड आई एम बैक विथ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि लाइक बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी भी सेम, और उसके बाद एक लाइक गिरने का स्टार्ट कर रहा है। और इफ़ आप OI भी देखते हो तो OI का इंडिकेशन भी वैसे ही है। तो लाइक अपन जीरोदा में एक प्रॉफिट बुक किए है, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइज, अभी देख सकते हैं 248 पे, और अभी इस प्राइस चल रहा है 212 के, सॉरी 211 के आसपास। और इधर भी एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लिया है, 185 ट्रिगरिंग प्राइस है। आपको मैं शो करता हूँ पोजीशन में जाके, आप देख सकते हैं ये एक पोजीशन चालू है, सेम स्टॉप लॉस भी लगाया है, स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा लगाया है, हिट नहीं होना चाहिए। जस्ट थोड़े टाइम तक उसने और 15-20 मिनट तक तो भी होल्ड किया, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा बिकॉज ऑफ टाइम डीके। तो विल होप फॉर बेस्ट। और आप देख सकते कि ये लेवल ब्रेक हुआ है, उसके बाद मैंने एक एंट्री लिया है। और इफ़ आप OI वगैरह सारा देखते हो तो OI भी लाइक इंडिकेशन दे रहा है। अभी आप OI चेंज देखोगे तो लाइक देख सकते कि कॉल शॉर्ट ज़्यादा कर रहे गैप अप ओपन होके भी, तो इसकी वजह से। बट इफ़ आप लाइक चीज़ें देखोगे तो पुट शॉर्ट वाले भी मतलब लाइक अभी तक पोजीशन से गए नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंटली बैठे हैं, बट अभी टाइम है उधर तक, मतलब 37 के आसपास, 800 के आसपास जाने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा बहुत अभी यही जगह पे, इसीलिए थोड़ा बहुत एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इफ़ ये लेवल ब्रेक कर रहा है 37,800 का और लाइक होल्ड कर रहा है तो एक मूवमेंट आ सकता है निचले तरफ में, मतलब थोड़ा अच्छा बहुत मूवमेंट आ सकता है। तो लाइक विल सी कैसे होता है, नहीं तो अपने को टाइम डी के थोड़ा बहुत तो बचाने का ट्राई करेगा। तो ब्रेकआउट हो गया है गेस, नहीं, तो यही जगह पे चौपीनेस शो कर रहा है निफ्टी का। इफ़ आप देखो निफ्टी का फ्यूचर भी, तो वो भी ब्रेकआउट देने के बाद लाइक 17,200 के आसपास ही, 150 के आसपास ही, मतलब इन अबाउट 200 ब्रेक किया, और वही जगह पे चौपीनेस शो कर रहा है, आप देख सकते हो। तो ये पोजीशन मेरा एग्जिट नहीं होता तो इधर मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, बट वो मेरा पोजीशन एग्जिट हो गया है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो वो टाइम मैंने चालू करना भूल गया और अब भी चालू किया है जैसे इसमें एंट्री लिया हुआ वैसे। तो लाइक आई होप, मैंने 2 दिनों से वीडियो नहीं डाला, बट उसका उसमें भी एक दिन में प्रॉफिट हुआ था। मैं आपको नेक्स्ट 2 वीडियो में मेरा जीरोधा का पोर्टफोलियो शो करूंगा गाइस, तो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कीजिए गाइस। सब्सक्राइब नहीं करते गाइस आप, मतलब मैं जब भी एनालिटिक्स देखता हूँ चैनल का तो बहुत सारे लोग सिर्फ देख के जाते हैं, तो सब्सक्राइब का काउंट भी बड़ा, मतलब करो सब्सक्राइब, क्योंकि लाइक जल्दी ही अपन 10K के ऊपर जाने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा हेल्प चाहिए आपका गाइस। तो इफ़ लाइक ये जगह से रिजेक्शन का व्यू आ रहा है, इफ़ आप OI डेटा भी देखोगे तो यही जगह है 37,800, बट अब भी 800 के ऊपर कॉल शॉर्ट कम हो गया, लाइक मतलब वैल्यू ज़्यादा था वो कम हो गया। विल सी, कुछ अपडेट आता है मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, ये जो एंजल में जो स्टॉप लॉस लगाया है मैंने, इफ वो ट्रिगर होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। वो स्टॉप लॉस मैंने ऑर्डर बुक में जाके शो करता हूँ आपको कि वो अप्रोक्सीमेटली मैंने 205 के आसपास लगाया, आप देख सकते हो अभी 173 चालू है। तो विल सी कैसे होता है, अभी ब्रेकआउट दिया आई गेस सो, क्योंकि प्राइस आ गया, हाँ ब्रेकआउट हो गया गाइज, अच्छा हुआ मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं किया तभी ही। गाइज टू बी ऑनेस्ट, मैं इस पे चार्ट नहीं देखता, मेरा एक दूसरा लैपटॉप है उसके ऊपर चार्ट देखता हूँ, वो मैकबुक है, तो उसमें मेरे को रिकॉर्डिंग करने को नहीं होता, तो इसीलिए मैं विंडोज़ में रिकॉर्डिंग करता हूँ, और उसमें मेरा चार्टिंग, मतलब आपको लगेगा कि चार्ट कैसा कुछ लेवल नहीं अच्छे से ढंग से, बट मेरा उधर मैंने लाइक सब कुछ करके रखा, तो आप देख सकते हैं कि ये एक अपना प्रॉफिट हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, मेरा स्टॉप लॉस है ना वो एक बार ट्रिगर, मतलब थोड़ा ट्रिल कर देता हूँ, ये मॉडिफाई है अभी 160, तो मैं इधर 185 जो एंट्री प्राइस है अपना गाइस वही जगह पे स्टॉप लॉस होता है, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट ऐसे सिचुएशन पे हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा करता हूँ स्टॉप लॉस, ये ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा है,
स्टॉप लॉस भी लगा दिया है, ट्रिगरिंग 160, और अभी 160 के आसपास चालू है प्राइस, 157। तो भी एक बार PNL शो करता हूँ, एंड एंजल का जो वेब वर्जन है गाइस वो थोड़ा सा स्लो है मेरे अकॉर्डिंग। इफ आप जीरोधा का देखेंगे तो 187 पे चल रहा है, वो पोजीशन एग्जिट हो गया, बट थोड़ा बहुत क्विक लगता है। अभी देखो रिलोड कर रहे हैं अपन तो कितना क्विक हो गया, इसका अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं इसको प्रमोट करता हूँ तो मैं उसके बारे में अच्छा ही बताऊंगा, तो जो है वो टू बी ऑनेस्ट जो चीज़ है वो है, बट इसका जो ऐप वर्जन है गाइस बहुत अच्छे से चलता है। अभी आप देख सकते 580 के अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट है, अभी बढ़ गया 650 के आसपास। तो गाइज मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही ये ट्रेड को मैं एग्जिट करता हूँ, बट अभी मैं इसको होल्ड करने का ट्राई करूँगा, लाइक थोड़ा बहुत तो उसको होल्ड और ज़्यादा करूँगा क्योंकि टाइम डिके भी मेरे को चाहिए। तो मैं आपको वैसे अपडेट करता हूँ, इफ मैं ये एग्जिट करता हूँ तो मेरा तो अभी वही प्राइस है 185 के आसपास, बट मैं OI को ट्रैक करते रहता हूँ क्योंकि OI में कोई चेंज आ रहा है तो मैं एग्जिट कर दूंगा पोजिशन, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज बैंक निफ्टी वो जगह से और फॉल हुआ है, मैं आपको शो करता हूँ, आप देख सकते हैं अच्छा खासा फॉल हुआ है। मेरा मेरा स्टॉप लॉस है वो भी ट्रिल कर दिया है अप्रोक्सीमेटली 155 के आस वो सॉरी 175 के आसपास लगा दिया है, तो अभी मैं उसको और ट्रिल करके 160 के आसपास लगा देता हूँ, 165 के आसपास नहीं 170, अच्छा है 170 और ये 171, तो और 140 के जैसे ही नीचे जा रहा है गाइज वो, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस 160 के 165 के अप्रोक्सीमेटली पुट ऑन कर दूंगा। इसका रीज़न क्या है गाइज कि आप मिनिमम मिनिमम 25 का तो एक डिस्टेंस रखो, तो ज़रा अच्छे से मतलब क्योंकि कभी कभी बड़े मूव आते हैं, तो और मैं सजेस्ट करूंगा कि SLM ऑर्डर पे ही ज़रा ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज SLM ऑर्डर अच्छे से वर्कआउट होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो आप इफ आप IV का भी चार्ट देखो, इंडिया विक्स का कल के मुकाबले वो भी एक गिरता हुआ है, मतलब लाइक अभी उसने दिया है, बट लाइक इफ आप ओवरऑल देखो तो 0.97% डाउन है, तो जो ऑप्शन सेलर है उन लोग के लिए डेफिनेटली एक बेनिफिट वाला चांस है। तो 139 के अप्रोक्सीमेटली गया था वो, और फिर से एक पुल बैक दिया, मैं दूसरे मेरे दूसरे स्क्रीन में देख रहा हूँ, एक अच्छा खासा मूव दिया है 80, तो ये आप देख सकते हैं कि 1000 रुपीज़ के आस अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट है। और गाइज आप इफ ये भी देखो, मैंने एंट्री ये जगह के आसपास लिया था, तो एक अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट शो हो रहा है। मैंने 138 का गाइस स्क्वायर ऑफ ऑर्डर लगा दिया है, 138 पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा एक प्रॉफिट है वो अप्रोक्सीमेटली जितना चाहिए उतना आ गया है, तो ज़्यादा ग्रीडीनेस भी अच्छा नहीं है, नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और फिर जो एक्सपेक्ट किया था वो भी नहीं मिलता। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो लाइक करो आप, तो स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हो गया है, और मैं ये लाइक स्टॉप सॉरी स्टॉप लॉस नहीं, जो मैंने प्राइस डाला था वो ट्रिगर हो गया है, एंड मैं जो मेरा ये जो डाला था बाइंग का स्टॉप लॉस लगाया था वो भी मैंने एग्जिट कर दिया है अभी, लेट्स सी। तो गाइज आई होप आपको ऐसा ट्रेडिंग पसंद आ रहा है, आप देख सकते हो कि जीरोधा में 160 प्राइस चालू हो गया उसका, तो मैंने उसको बहुत ऊपर से लिया था 240, तो एक अप्रोक्सीमेटली बहुत फट्टे वाला प्रॉफिट था 100 पॉइंट्स का, बट वो कैच नहीं कर पाए अपन। तो आप देख सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर में कुछ नहीं है, बट आप इफ पोजिशन में जाते हो तो पोजिशन में आपको एक्चुअल में ये जो प्लेटफॉर्म है इसका यही इशू, इसको भी स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं, और गाइज वी आर डन फॉर द डे। तो
तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम 50-60,000 में ऑप्शन सेलिंग करके इसमें 43 सॉरी 437 और इसमें पोजीशन में जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1,000 प्लस प्रॉफिट अपन लोग ने आज जनरेट किया है जस्ट यूजिंग 3 ट्रेड्स। तो आई होप आपको ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, तो इफ पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो भी ट्रेडर दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए एंड मतलब कीप स्माइलिंग। और ट्रेडिंग को ज़्यादा गाइज मतलब फोकस से करोगे, स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, डेटा प्रोस्पेक्ट यूज़ करोगे तो आप डेफिनेटली पैसा कमाओगे। तो ये एक प्रॉफिट हो गया है आज के दिन में, तो आई होप आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद आ गया है। तो पसंद आ गया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलो मत गाइज। तो चलो गाइज टेक केयर, बाय बाय। और लाइक इफ आपको एंजल वन में अकाउंट खोलना है तो डेफिनेटली खोलिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ओपन कीजिए, आपको फ्री कोर्स मिलेगा। एंड इफ आपको ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा फोकस हो तो कोर्स बहुत बढ़िया है आपके लिए। और इफ आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ गाइज, बट बहुत मिनिमलिस्टिक डे पे करता हूँ। तो वैसे जब भी दिन रहेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा, लाइक आईवी स्पाइक के दिन रहते हैं तभी अपन ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट निकालते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा वो सब कोर्स में। तो डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए एंजल वन में, एंजल वन में ट्रेड कीजिए, बढ़िया ब्रोकर है। सिर्फ उसका जो वेब प्लेटफॉर्म है थोड़ा बहुत हैंग होता है, आपके सामने करके दिखा, बट ये मेरा ओल्ड लैपटॉप है, इसमें मैंने बहुत सारे टैब यूज़ किए आप देख सकते हो, उसकी वजह से उसको लोड होने में इशू लगता है, बट मेरे मैकबुक में अच्छे से चलता है टू बी ऑनेस्ट। तो इफ आपके पास अच्छा कोई लैपटॉप है और उसमें आप चला रहे हो तो बहुत बढ़िया चलता है। जीरोधा के कंपैरिजन में जीरोधा ऑब्वियसली बेस्ट है, बट जो ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन मिलता है जीरोधा में वो बहुत कम है गाइज। तो एंजल वन इज़ अ बेस्ट, मतलब जो भी चीज़ है उसके लिए, तो आप डेफिनेटली उसमें ओपन कीजिए। तो गाइज मैं अभी लॉग आउट करता हूँ, चलो टेक केयर, बाय।